झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। तो बीजीएमआई वाले हमारे साथ झूठ ही बोलते आ रहे हैं कि भाई बीजीएमआई अब आएगी, बेटर ग्राउंड मोबाइल इस डेट को आएगा, उस डेट को आएगा, वो लोग जहाँ भी बोल सकते हैं सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। तो देखो मैं आप रहा हूँ अपार्टमेंट, तो देखो जैसे मैं अपार्टमेंट पे एंट्री मारता हूँ वैसे मेरे को मिल जाती है एक एम। देखो एक एम मिलती है वैसे में एक बंदे को मैं डैमेज देता हूँ और एक बंदे को तो मैं पूरा फिनिश मार जा देता हूँ। तो बारी थी मेरी यहाँ पे सलमान भाई बनने की। तो देखो यहाँ पे मेरी हाई जंप, तो देखो जंप तो मैंने मार ली। तो यहाँ पर नीचे एक बंदा था, तो वो बंदा छिपा कहाँ पे वो था वो मेरे को देखना था। तो मैं गेंद फेंकता हूँ तो वो बंदा यहाँ पे आ जाता है। तो देखो भाई साहब मतलब कि क्या भाई, सामने खड़ा खड़ा डीपी लोड किए जा रहा है किए जा रहा है। तो देखो इस डीपी वाले बंदे को मैं मार देता हूँ, जैसे मेरे को बाजू में रहता हूँ उसी यहाँ पे भाई गदर वाले फुट स्टेप आते हैं। तो ये बंदा निकलता है मतलब कि नूब प्लेयर निकलते हैं। देखो उसके साथ में स्टार्टिंग होते हैं, साथ में करूँ ट्रोल, फिर मतलब कि बाकी बंदों के फुट स्टेप आने लगे। तो सोचा कि इसे ट्रोल कर रहा हूँ तो बाकी बंदा के कि मेरे को मार के नहीं चला जाए, इसलिए मैं इसको एंड में मैं इसको मार देता हूँ। तो उस बंदे को तो मैं मार देता हूँ। उस बंदे को मारने के बाद जैसे मैं यवाडे बिल्डिंग में आता हूँ वैसे ऊपर एक बंदा गधे वाला कैंप कर रहा होता है। मैंने ऐसे सुन लिया था कि वो भाई ड्रिंक व्रिंक लगा रहा है, इसलिए मैं बंदा दूर रश मारता हूँ। और देखो तभी वो बंदा मेरे को किस हथियार से मारता है, मतलब कि देखो बंदा किस हथियार से मारता है, आप एक बार स्लो मोशन में देखो। नहीं मतलब कि तू भाई के हाथ देख रहे हो कैसे हिल रहे हैं केकड़ों की तरह। तो चलो वहाँ से तो मैं यहाँ पे आया था और सामने देखो एक भाई क्या कैंप है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। नहीं इस बंदे को हो क्या रहा था, नहीं उस बंदे को हो क्या रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा, इधर उधर गोल गोल पता नहीं कहाँ फायर दे रहा था किसे पता। तो वहाँ से तो मैं मेरी बगल के रहता हूँ रोजॉक, तो जैसे ही रोजॉक पहुँचता हूँ वैसे यहाँ पे भाई 6-7 बंदे और बच रहे थे रोजॉक में। तो सबसे पहले मैं ये वाले बंदे को पकड़ लेता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ फिर सोचता हूँ कि भाई जाके मैं एक ग्रेड मारूंगा, फिर मेरे को वो भी बंदे की गेंद की पिंकिंग से तो मैं ऊपर जाता हूँ। तो मेरे लगता कि उसे तो मेरे को ये देख लिया होगा ऊपर आते हुए, तो मैं वापस नीचे चला जाता हूँ। और यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि चलो मोल्टा वोल्टा डालते हैं, फिर मेरे को लगा कि मोल्टा वोल्टा छोड़ो उससे काम ना बनेगा, घुस के रश मारते हैं। फिर से मैं अंदर घुसता हूँ वैसे वो बंदा नीचे कूद जाता है। मतलब कि कैसे टपका ये बंदर की तरह ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर की जा रहा है। तो इसको तो मैं मतलब कि मैं इसको लूट रहा था, तभी जैसे मैं मकान के अंदर जाता हूँ इसको लूट मतलब हीलिंग वीलिंग मतलब कि ड्रिंक भी लगाने, तभी मेरे को फुटस्टेप आती हूँ बहुत नज़दीक से, मतलब कि बहुत नज़दीक फुटस्टेप में देखा। देखो आप साइड में मिनी मैप में देखो फुटस्टेप में देखा, मतलब कि फुटस्टेप आ कहाँ से रहा है, यहाँ पर तो आसपास तो कोई नहीं था, मतलब कि फाइट रोजों के उस साइड चल रही थी, तो यहाँ पर आ कौन गया। तो देखो यहाँ पर वापस से सलमान भाई वाली जंप मारने का टाइम आ चुका है। तो जैसे मैं जो मारता हूँ तभी तो मेरे को कोई दिखाई नहीं, जैसे मैं कहीं बकल वोल पर होगा तो फायर देके मेरे को दिख जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि चलो यहाँ पे कहीं लेटा होगा, तो इसे मैं जा रहा होता हूँ उसमें कुछ सेकंड क्या दिखता है, ये देखो वो भी कैंपूर अभी कहाँ चिपक के बैठा है, कोने में घुस के बैठा है। तो वहाँ से तो मैं सीधा रहता हूँ यहाँ पर। तो देखो जब मैं फाइट कर रहा था तब पीछे से जीप वाला आदमी फुल स्पीड में पोंपू पोंपू बजाते बजाते जीप लेके निकल गया था। तो मैंने फाइट देके उसको बुलाया, देखो यहाँ पे दो बंदों की फाइट चल रही थी, और अब इस बंदे की स्पीड देखो क्या है ये, नहीं इस बंदे की उम्र कुछ अलग लेवल की लग रही है। चलो ठीक है मैं पे
बर्ड फायर देता हूँ, फिर देखो उसको कैसे मारता हूँ। माइटी कैट राजू, वाह 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 वाह, माइटी राजू आ गए भाई हमारे पबजी खेलने। छोटा भीम छोड़ के यहाँ पे आ रहा भाई, तू छोटा भीम में जा, यहाँ पे तू ऐसे उड़ता उड़ता ही खलास हो जाएगा। तो वहाँ से तो मैं आता हूँ ड्रॉप पे। अब भाई सामने मेरे एक बगी वाला चढ़ा था, उसको भी ड्रॉप उठना था और मुझे भी ड्रॉप उठना था। तो देखो रास्ते में उसकी बगी कहाँ अटक जाती है, और अटकती तो है, और उसके सामने एक मुसीबत आ जाती है। भाई मतलब यहाँ पे कैंपिंग कौन करता है यार। तो चलो उन दोनों बंदे को तो जाने देते हैं, मार मार देता हूँ मैं उनको। तो वहाँ से मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे थे दो बंदे भाई। इस बंदे ने क्या पेटी बना रखी, और देखो ये कहाँ पे टीवी पी ले रहा। अबे अबे नॉक क्यों नहीं हुआ भाई, मैंने इसको हेड पे मारा, बॉडी में फिर भी नॉक नहीं हुआ। देखो सामने से मेरे को एक और बंदे के फुस्टे मारे थे छोटे वाले मकान में, जैसे ही मोल्टा फेंकता हूँ वैसे बंदे देखो कैसे टपक के बाहर निकलता है। देखो ये देखो कहाँ देख रहा है वो अंधे, इधर पीछे इधर 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 सर इधर। तो जैसे मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ उसको पता डैमेज तो हुआ होगा, और देखो पता नहीं यहाँ पे मेरे साथ गेम पता नहीं वो मेरा जॉयस्टिक वैसे अटक रहा था। तो चलो इसको तो मैं मार देता हूँ। अब आपने नहीं ये चीज़ मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलूँगा। देखो यहाँ पे मैं आया, सामने एक ड्रॉप है। तो देखो ये बंदा मतलब ये बंदा किसी और को मार रहा था, पीछे आके देखो उसको कैसे मारता हूँ। चलो इसको तो मैं मार मार दिया। अब मैं बताता हूँ पबजी में बोलने की बहुत समय पहले से प्रथा चलती आ रही है, कहीं पर भी कोई महान लोग ड्रॉप बुलाते हैं ना तो वहाँ पे सांप आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। आप सोच नहीं सकते उतने सांप होते ही हैं। तो देखो यहाँ पे पहुँचता हूँ, देख लो कि कोई ना कोई लेटा होगा, इसलिए मैं आसपास में घुमा लेता हूँ, क्योंकि ये पबजी की पहले से ही इतिहास में रहा है। क्योंकि तुम कोई बंदा कहीं भी लेटा होता है तो वो लेटा हुआ सांप आपको डस ही लेता है। तो मैं जहाँ कि जहाँ जहाँ झाड़ी होती वहाँ वहाँ मैं घुमाता हूँ कि कोई लेटा हो तो मेरे को दिख जाए। तो देखो मैं पे लूटता हूँ, अब जैसे बगिंग बैठता हूँ पीछे देखो ओम भाई टप लेके टपका दी भाई। तो देखो अब इस भाई को कैसे टपकाते हैं हम। भाई साला ओपन में कहाँ जा रहा है ये, शांति से कवर में था तो रहना उधर, काय को बाहर निकलता है कवर से, पेड़ के पीछे था तो। तो देखो अब यहाँ पे मेरी बगी में फ्यूल कम था तो मैं यहाँ पे बगी चेंज करने जाता हूँ, और ये तो रास्ते में बॉट वॉट आ जाते हैं तो उसको मैंने मार दिया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है मेरे साथ। नहीं देखो इस टाइम पे अगर मुझे जब कोई शावल मोटर डायनेमो बाइनेमो श्राउड वाउड कोई भी होता ना तो वो भी मर जाता। देखो मैं यहाँ पे शांति से मार रहा था पेंट के लिए, और भाई ये इतनी फाइट चल रही है फिर भी लेटा हुआ है, क्या इंसान है यार ये, को कौन भेजता है पबजी में ऐसे लोगों को। तो चलो मैं भी करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक शेयर करना। मैं मिलता हूँ इससे कौन वीडियो में।